हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बेवंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तीन अलग अलग शेप्स के प्लेट्स हैं जो वाटर में सबमर्ज्ड किए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड प्लेट पार्शियली सबमर्ज्ड है, जो एक थर्ड प्लेट है वो फुली सबमर्ज्ड है वाटर में, और तीनों पे बेवंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। भी क्रॉस जो है वो वाटर में, जब हम लोग कोई बॉडी को सबमर्ज करेंगे तो बॉडी वाटर में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, इसको हम लोग भी क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्लेट्स को देखें तो इसका जो सबमर्ज है पार्शियली सबमर्ज है, तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड या सरफेस होगा वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड से ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी पार्शियली सबमर्ज है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सरफेस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी कि इस प्लेट्स का ज़्यादा सरफेस लिक्विड के अंदर है। अगर इस फिगर में देखें तो ये कम्प्लीटली सबमर्ज है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब आते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। एफ बी यानी कि बेवंसी फोर्स इक्वल टू रो जी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। रो यहाँ पे डेंसिटी है और भी जो है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, एफ बी इक्वल टू रो जी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। इस चीज़ को हम लोग इस स्टेटमेंट से समझते हैं। When solid is completely or partially submerged inside a fluid, it experiences an upward force called buoyancy force. जब हम लोग किसी भी सॉलिड को completely और partially fluid के अंदर submerge करते हैं तो upward force experience करता है, जिसको हम लोग buoyancy force बोलते हैं। The buoyancy force is given by Archimedes principle. Buoyancy force Archimedes principle के द्वारा दिया गया है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बेवंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, और जो बेवंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके वेट का। यानी कि जब भी हम लोग कोई सॉलिड को लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो वो जो सॉलिड होगा वो लिक्विड अपने जगह बनाने के लिए लिक्विड के कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, तो वही उसका जो वेट होगा वो हमारा बेवंसी फोर्स हो जाएगा। एफ पी इक्वल टू रो जी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। इसको यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं। एक हमारा रेक्टेंगुलर शेप का एक सॉलिड बॉडी है जो वाटर के अंदर सबमर्ज है, तो अगर इस सरफेस पे देखें तो इस पर यूनिफॉर्म प्रेशर सारे पॉइंट पे लगेगा, तो इसका ये यूनिफॉर्म प्रेशर है P1। लेकिन इस साइड पे देखें तो ये वैरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, यहाँ पे मिनिमम होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा। सिमिलरली इस पर यूनिफॉर्म होगा, इस पर वैरी करेगा। तो अगर इस बॉडी पे बेवंसी फोर्स देखें तो बेवंसी फोर्स P1 और P2 के कारण होगा। P2 होगा वो P1 से ग्रेटर होगा क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है। तो एफ पी इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू एरिया A2। तो P2 माइनस P1 को रो जी ए लिख सकते हैं, रो जी और ए, इसका ए है लेंथ, तो ये आ जाएगा रो जी ए क्यू, और ए क्यू जो है वो वॉल्यूम है इस सॉलिड का। तो यहाँ से बेवंसी फोर्स हो जाएगा रो जी इंटू डिस्प्लेस्ड। बेवंसी फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेवंसी फोर्स जो होता है वो सरफेस पे जो प्रेशर लगता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का के कारण बेवंसी फोर्स होता है। प्रेशर ऑन लोअर साइड ऑफ द सबमर्ज ऑब्जेक्ट इज मोर एज कम्पेयर टू अपर साइड। प्रेशर होगा वो जो सॉलिड बॉडी सबमर्ज होगा तो उसके लोअर साइड पे प्रेशर
ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अपर साइड, क्योंकि लोअर साइड पे डेप्थ ज़्यादा होगा। हेंस बेवेंसी फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपवर डायरेक्शन, इसके कारण बेवेंसी फोर्स हमेशा अपवर डायरेक्शन में एक्ट करता है, क्योंकि लोअर साइड पे जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। द पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट बेवेंसी फोर्स एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बेवेंसी, और जिस पॉइंट से रिजल्टेंट बेवेंसी फोर्स एक्ट करता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ बेवेंसी बोलते हैं। सेंटर ऑफ बेवेंसी इज लोकेटेड एट सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जो सेंटर ऑफ बेवेंसी को हम लोग डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो लिक्विड सबमर्ज्ड होगा और जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ बेवेंसी दिखाएंगे। इस डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो बेवेंसी फोर्स होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ एक आर्बिट्रेरी शेप का एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सट्रीम पॉइंट्स ए बी सी डी है, तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस बॉडी को ए बी सी और ए डी सी। तो फोर्स ऑन दी अपर पार्ट देखें यानी कि ए बी सी, तो इस पे जो वर्टिकल फोर्स होगा ई सी, इस अपर वाले पार्ट पे जो फोर्स आएगा वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा, और ये इक्वल होगा मास ऑफ द लिक्विड एबव ए बी सी इंटू ग्रेविटी। तो मास हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम एबव ए बी सी, वॉल्यूम होगा ए बी सी ई एफ, तो ये आ जाएगा रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी ई एफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर वॉल्यूम, अगर हम लोग वर्टिकल फोर्स ऑन ए डी सी देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम एबव ए डी सी, वॉल्यूम एबव ए डी सी होगा ए डी सी ई एफ। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बेवेंसी फोर्स आ जाएगा, और ये इक्वल होगा एफ बी इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो ये आर्बिट्रेरी शेप का जो वॉल्यूम है, यानी कि दिस विल बी इक्विवेलेंट टू रो जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड।